बेकार है, बताइए ना क्या बेकार लगा। कॉमेडी है ही नहीं कुछ, इतने ज़बरदस्ती के पंचेज है, कुछ हंसी नहीं आ रही है, एकदम लेम जोक्स है, इतनी खास नहीं है कुछ भी, सिर्फ कास्ट है और आईफा के दौरान ही शूट की गई है, लाइक एकदम बोरिंग, एकदम बोरिंग, सुपर बोरिंग। इतने सारी स्टार कास्ट, सोनाक्षी, इतने सारी दिलजीत, अब तक सब वेस्ट हुआ है? सब वेस्ट है, लाइक कुछ एंटरटेनिंग फैक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं। म्यूजिक पसंद नहीं है? म्यूजिक है थोड़ा, लाइक देखने लायक है। पांच बजे कितने स्टार देंगे? वन। मूवी ठीक, मतलब अच्छी है, से टू स्टार्स। सेकंड हाफ ज्यादा अच्छा है फर्स्ट हाफ से। के क्या खास ऐसा था जो बांध के रखता है फिल्म में? है, स्क्रिप्ट अच्छी है, पर कभी कभार एक्टिंग की वजह से वो डायलॉग्स ऐसे आ नहीं सकते हैं, पर है, मतलब अगर वन टाइम वॉच किसी को कुछ करने को नहीं होगा तो देख सकते हैं। इतनी सारी स्टार का सबको लगता है वेस्ट हुई है? हाँ, पर मोस्टली स्टारकास्ट जो है वो सिर्फ आईफा के फुटेज से है, तो ज़्यादा लोग नहीं हैं एक्चुअली मूवी में। ओके, म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ एक गाना मेरे को अच्छा लगा, जो कि स्लो सॉन्ग था, वो अच्छा है। ओके, कितने स्टार देंगे पार्टी को? दो। अच्छी है फिल्म, अच्छी है। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? करण जौहर का रोल अच्छा था, और जो दिलजीत दोसांझ है उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, और फिल्म अच्छी एंटरटेनिंग है। कॉमेडी है फिल्म के अंदर? ठीक है। ओके, थैंक यू। It was good and kind of a Which decent film? film. Welcome to New York. Yeah, it was a kind of a good and a decent film. I liked it. Karan Johar was doing a very good role. Sonakshi Sinha was good. And Ritesh Sheth was like a duo and camo like, but it was good. There are so many celebrities. So yeah, it's like a joint film and like most of the celebrities are. I think Karan Johar did a good role in front of the camera for the first time and it was good. And how did you like the songs and all? I will not like to comment about the songs because it's like normal Indian songs and the direction was good. I like the production and all the effects of the VFX and all. Good. I'll give 4.5 probably. Thank you. What do you want to say about the film? Nothing much. I just like the film. I'm not too much into Indian actors or something like that. I don't like to watch movies that much. I'm more into video games or something like that. But I did like the film a lot. I like Karan Johar's acting, the double roles, yeah. How about the stories? It was good. Pretty good. Nah. 4. It's okay. Entertaining. It was entertaining. Yeah. Starcast अच्छी है. अच्छी है. सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? Storyline device कैसी लगी? मुझे वो करण जौहर का duplicate अच्छा मज़ा किया था. Okay. Music wise कैसी है? Music कौन सा? Music अच्छा था. Yeah. Out of 5 कितना marks? Maybe 3 stars. It was good, very good. Storyline is very comedy and good, yeah. बहुत सारे स्टार्स हैं फिल्म में, क्या कहें? वो जस्ट इट्स एन आईफा अवार्ड के दिखाए हैं सब, बट इट्स गुड फन। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कैसी लगी? इसकी करण की अच्छी थी, यस, एंड ऑफ कोर्स सोनाक्षी एंड दिलजीत वर वेरी गुड, बोथ ऑफ देम। एंड म्यूजिक वाइज कैसी है? म्यूजिक क्या गुड, नॉट बैड। आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार्स? 3.5। तो वासु बंगलानी जैसे बड़े मेकर ऐसी घटिया फिल्म बनाए, मतलब वो समझ के बाहर है। एक ये फिल्म आईफा अवार्ड को पूरी तरह से बदनाम करती है, पूरा पिक्चर का प्रीमाइज आईफा के ऊपर है, और आईफा का जो सत्यानाश किया सब आर्टिस्टों मिलके, उसका कोई दो शब्द नहीं मेरे बारे में। करण जौहर जैसा एक्टर लगता है आपको? लोग उसे सिंगल रोल में बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो सामने डबल रोल काम किया हुआ है। सोनाक्षी एक्टिंग जीरो, दिलजीत पता नहीं फिल्म में क्या कर रहे हैं, डिजास्टर एट बॉक्स ऑफिस, ऑल डफर, ऑल जीरो, आई विल गिव जीरो रेटिंग। फिल्म डिसेंट लगी, ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में कि आप यू नो उसके लिए दोबारा जाओगे शायद। इट्स अ वन टाइम वॉच जो आप एंजॉय कर सकते हो दिलजीत और सोनाक्षी की केमिस्ट्री के लिए। सबसे ज़्यादा किसकी परफॉर्मेंस पसंद आई? और दिलजीत की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि यू नो वो एक ओरिजिनल यू नो पंजाबी फ्लेवर को लेके आए हैं फिल्म में एज अ स्ट्रगलिंग एक्टर, विच इज़ वेरी नाइस, बिकॉज उनकी वजह से आप शायद ये फिल्म यू नो आप फिल्म के थ्रू पूरा बैठोगे। इनफैक्ट करण जौहर इज़ प्लेइंग हिमसेल्फ, वो एक अपना एक किरदार लेके आए हैं, वो जो खुद हैं वो लेकर आए हैं, और उसके अलावा वो एक बॉम्बे वेलवेट के विलन का एक एक्सटेंशन लेके आए हैं इन अ वेरी डिफरेंट वे,
बट आई थिंक करण जौहर शुड स्टिक टू बीइंग अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर. ऐसा कुछ खास एज एन एक्ट, इफ ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ एज एन एक्टर प्रोबेबली ही हैज टू डू मोर सीरियस रोल्स, क्योंकि उनकी कॉमिक टाइमिंग इज डिसेंट. जब उनके चैट शोज पे या अवार्ड फंक्शन देखते हो वैसे ही कुछ उनकी एक्टिंग है. सलमान का कैमियो इज फाइन, बट यू नो आई थिंक इनका एक और सुना वो सॉन्ग के अलावा एक और सीन है वो थोड़ा अननेसेसरी लगता है, यू नो जहाँ पे वो सोनाक्षी को इट्स देयर इन द फिल्म, यू हैव टू वॉच द फिल्म फॉर दैट. बट देन देर आर कैमियोज इन दिस फिल्म, बट देन यू नो इट्स नॉट हेल्पिंग द फिल्म इन एनी वे ऑफ एनी एक्टर्स कैमियो. इनफैक्ट 2.5 स्टार्स. वेलकम टू न्यूयॉर्क काफ़ी अच्छी थी. सबसे बेस्ट मुझे करण जौहर लगे, इतने अमेजिंग. आई थिंक ही इज़ नेवर बीन इन हिज लाइफ एंड ही इज़ बीन हिमसेल्फ बट टू द बेस्ट. इतनी फनी फनी सीन्स है जब वो कहते हैं कि यू नो सेल्फी ले रहे हो बट दूर से ले रहा है, इट इज़ सो सो करण जौहर. एंड इतनी अच्छी सी लाफ्टर सडनली आफ्टर सो मेनी मूवीज, इतनी कॉमेडी आई है हमारी, इतनी सारी आ चुकी है, बट ये वाली एक अच्छी लाफिंग वाली मूवी थी. स्टार्ट भी अच्छा था. आई लव द सॉन्ग इश्तिहार राहत शाह ने गाया है, काफ़ी अच्छे से गाया हुआ है. एंड देन वी ऑल्सो नो अबाउट द सॉन्ग जो आइफा के स्टेज पे शूट हुआ है, पैंट में गनर, वाज अमेजिंग. इतना मज़ा आया था देख के. सो आई फील ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड मूवी एंड प्लीज़ आई थिंक सबको जाना चाहिए और देखना चाहिए. बच्चा हाँ, एंड आई लव सलमान खान, इतने क्यूट लगते हैं व्हेन ही सेज लाइक यू नो ओ आए हैं एंड ही पुट्स हिज ओल्ड दबंग स्टाइल इन एक्शन. इट्स रियली नाइस एंड सोनाक्षी एंड सलमान तो आई थिंक द बेस्ट जोड़ी एवर एंड इट्स रियली नाइस. अच्छा था. आई वुड गिव 3.5 एक्चुअली 4. थैंक यू. बाय. तू भी बाकी रह गया. नहीं, सी इट्स अ गुड फिल्म यार, गुड फिल्म इन द सेंस यार, इतनी अच्छी सारी फिल्में चल रही है जो नहीं चलती है, तो ये फिल्म में जाके आपको दिमाग भी लगाने का नहीं, कुछ लगाने का, जस्ट गो एंजॉय, हैव फन एज सच. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू कैन सी करण हियर एक्टिंग इन ही इन हिज डबल ऑथर, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट समहाउ, इज एक्टिंग लाइक अ ब्लडी वेटरन एज सच, एज अ वेटरन एक्टर. अदरवाइज इज वेटरिंग ऑल ऑफ द फील्ड, बट एज एन एक्टर इज लाइक एक्टिंग एज अ वेटरन. इन रितेश हैज पुट इन हिज एफर्ट एंड द बेस्ट पार्ट इज दिलजीत एंड सोनाक्षी. They have done really good job. Because given the limitation of the role, they have done very good as such. Salman's cameo is there, sir. But he's typical Salman. He's typical Salman that what he is required to do as a star. Baki to kisi ko as a cover nahi kiya. All glimpses are there of Varun Dhawan and Sushant Singh Rajput and this, that. But they are there because they are part of the award night as it is. And they have been there because they have shot it there itself in New York, most of it there. Out of 5, how many stars? Basically 2.5-3 stars because it's nothing better to see. Go just watch. Welcome to New York. All the best. सबसे अच्छा मुझे दिलजीत की एक्टिंग लगी, नो डाउट. उसने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, उन तीन मूवीज़ की है, लेकिन तीनों अब तक अगर आप देखोगे तो उनकी तीनों मूवी हिट है. नहीं, ये मूवी वन टाइम वॉच ही है. जो रियल आइफा का बिहाइंड द सीन है वो पूरा देखा. ये पूरी मूवी आइफा से ही रिलेटेड है, किस तरह उनकी प्रिपरेशंस होती है, न्यूयॉर्क जाते हैं, कैसे उनके क्या क्या होता है, उनकी डाइटिंग, उनके परफॉर्मेंस, उनका जो सारे चीज़ रिहर्सल, ये सब, ये सारा देखने को मिला. लेकिन इसमें बेस्ट पार्ट ये था कि इसमें ये भी पता ऐसे दिखाया कि वो लोग कितना पैसे चार्ज करते हैं होस्ट करने के लिए, उनके स्पॉन्सर्स किस तरह देते हैं. देन दबंग 3 की भी इसमें बात हुई है, जहाँ पर सलमान खान का एक छोटा सा कैमियो था, और सलमान खान खुद कहते हैं कि सोनाक्षी काफ़ी पतली हो चुकी है, जो इस मूवी में भी हमें नज़र में आया है, सोनाक्षी काफ़ी पतली हो चुकी है. एंड वो 3 करोड़ चार्ज कर रही है दबंग के लिए. ये भी डायरेक्टली अरबाज खान ने, सोहेल खान ने सीधा डिस्क्लोज कर दिया. इसके अलावा भी काफ़ी सारे छोटे छोटे, राना दगुपति है जो बाहुबली का, अभी तक वो बोल रहे हैं कि मैं उस जोन से नहीं निकल पाया हूँ, मुझे कुछ रोमांटिक मूवी चाहिए, करण मुझे साइन कर लो. देन वहाँ पर रितेश देशमुख का कैमियो है, जहाँ पर रितेश देशमुख कहते हैं कि आपने एक काम करो, आप मराठी कोई मूवी बनाओ जिसमें आप मुझे साइन करो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर मराठी में बनाओ, आई विल बी द पार्ट ऑफ इट. तो ये सारे छोटे छोटे फन लविंग मूवमेंट्स मुझे अच्छे लगे. मूवी म्यूजिक नहीं इतना अच्छा है, बिकॉज अगर आप सोलफुल सॉन्ग ढूंढने चाहोगे तो वो इतने नहीं मिलेंगे. आप एक बार सुन सकते हो, आप पैपी सॉन्ग्स है, पार्टी कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोचोगे कि उस सॉन्ग्स को यू नो आप रिपीटेड मोड पे सुनो तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी. बट हाँ, पार्टीज़ के लिए, क्लब्स के लिए इट्स नाइस. आई वुड लाइक टू गिव 2.5. We'll be right back.
global advertiser for innovative outdoor solutions.